टीवी पर इस दिन दस्तक देगा रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी 13। शालीन भनोट के शो बेकाबू का कटेगा पत्ता। बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर रोहित शेट्टी इन दिनों अपने धमाकेदार शो खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग में बिजी हैं। वो केप टाउन में रहकर खतरों के खिलाड़ी 13 का शूट कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि जल्द ही खतरों के खिलाड़ी 13 टीवी पर दस्तक भी देने वाला है। दरअसल रोहित शेट्टी के दासू शो के लॉन्च डेट भी मिल चुकी है। शो की स्टार्टिंग अगले महीने से होगी, लेकिन खतरों के खिलाड़ी 13 के कारण शालीन भनोट के शो बेकाबू को थोड़ा सहमत उठानी पड़ सकती है। दरअसल शो के टाइम स्लॉट में बदलाव किया जा सकता है, जिससे इसकी टीआरपी पर भी असर पड़ेगा। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसका काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। हर किसी के मन में यही बात है कि शो की शुरुआत आखिरकार कब होने वाली है, लेकिन अब फैंस का ये इंतजार खत्म भी होने वाला है। दरअसल रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 13 15 जुलाई से टीवी पर टेलीकास्ट हो सकता है। हालांकि इसकी जगह शालीन भनोट और ईशा सिंह के शो बेकाबू का टाइम स्लॉट बदला जा सकता है। आपको बता दें कि पहले भी शालीन भनोट और ईशा सिंह के शो की हालत कुछ ज्यादा खास नहीं थी। ऐसे में माना जा रहा है कि टाइम स्लॉट बदलने के बाद बेकाबू की टीआरपी रेटिंग पर और भी ज्यादा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी के धमाकेदार शो खतरों के खिलाड़ी 13 में जल्द ही दिव्यांका त्रिपाठी और फैजल शेख की एंट्री भी होने वाली है। जहाँ फैजल शेख केप टाउन पहुँच चुके हैं, तो वही दिव्यांका त्रिपाठी भी केप टाउन के लिए रवाना हो चुकी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो शो में बतौर कंटेस्टेंट बनकर नजर आएंगे या फिर उनका कुछ और रोल होने वाला है। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 13 में अब्दुल रोजीक भी जल्द ही वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंट्री करते हुए नजर आएंगे। उनसे पहले एक्ट्रेस अंजुम फगई की भी शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री हुई थी। फिलहाल खतरों के खिलाड़ी 13 को टीवी पर टेलीकास्ट होते हुए देखने के लिए है कितने ज्यादा एक्साइटेड, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।